ले लद्दाख, जिसका नाम सुनते ही जहन में आने लगता है बादलों से घिरा नीला अंबर, भव्य पहाड़ियां, कल कल बहता निर्झर पानी और भी बहुत कुछ। एक ऐसी जगह जो आपको मजबूर कर देती है अपना सब कुछ भुलाकर यहाँ की असीम सुंदरता में खो जाने पर। कुछ दिन इस पर्यटक स्थल पर बिताने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों की विवशताएं भी नजर आने लगती हैं। न्यूनतम -40 डिग्री सेल्सियस जैसी हड्डियां कड़कड़ा देने वाली ठंड, लगभग बंजर रेतीली जमीन और बुनियादी ढांचे के तीव्र अभाव के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जीविका के लिए आपको हर दिन कड़ा संघर्ष करते दिख जाएंगे। जिंदा रहने के इस संघर्ष में मौसम की मार से लड़ता सबसे आगे खड़ा है यहाँ का किसान। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में जिंदगी का सफर कितना मुश्किल भरा हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है द्रास, जो करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। लोगों की बसावट लिए ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है। ऐसे में यहाँ का किसान भी एक दो फसल लगाने के लिए ही अपने को विवश पाता है। कारवां अपने सफर पर फिर आगे बढ़ चला है। यह कारवां इसी तरह लेह लद्दाख की खूबसूरती को नजरों में बसाए आगे बढ़ता चला जाता है। कत्थई शिखरों के बीच से झांकता नीला आसमान लगातार आपको खुद की ओर खींचता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सफर की कठिनाइयों के साक्षी बनते जाते हैं। हिमालय के सीने को चीरकर खोदी गई सड़कों से गुजरना अपने आप में एक अलग अनुभव है। इन सड़कों से गुजरते हुए जरा सी भी असावधानी का परिणाम सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल ऐसे ही अनुभवों से दो चार होते हुए हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वैसे तो लेह लद्दाख के इस असीम सौंदर्य में हर पर्यटक खो जाता है, लेकिन इस इलाके में जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा कुछ दिन यहाँ बिताने से होता है। कत्थई शिखरों के बीच से झांकता नीला आसमान लगातार आपको खुद की ओर खींचता है।